सो फाइनली दोस्तों, आप लोग देखोगे टाटा कंज्यूमर ने अपने क्वार्टर टू के नंबर डिस्क्लोज कर दिए हैं। एनएससी बीएससी की साइट पर आप लोग जाकर चेक कर सकते हो भी। तो चलिए देख लेते रिजल्ट्स कैसे हैं और इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें कैसा देखने को मिलेगा, बिकॉज मार्केट क्लोजिंग के बाद रिजल्ट्स आए हैं। तो मंडे के दिन इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें स्टॉक के ऊपर देखने को मिलने वाला। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे हम डिस्कस करेंगे इसके जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स है ना भाई, इसको लेकर, ठीक है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे और ऑल फिगर इन रुपीज करोड़ में दिया गया। ये क्वार्टर एंडेड है और यहाँ पर आपको सिक्स मंथ एंडेड या फिर हाफ ईयर एंडेड रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। बात करें टोटल इनकम की, तो अब की बार जो टोटल इनकम हमें देखने को मिला भी वो क्या है, 4,260 करोड़ का, जो प्रीवियस क्वार्टर में क्या था भी 4,391 करोड़ और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 3,823 करोड़। तो ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर आप लोग कंपेयर करोगे तो ईयर टू ईयर बेसिस पर तो इसके इनकम हमें इंक्रीज होते हुए नजर आए, बट क्यू ऑन क्यू बेसिस पर इनकम में गिरावट रही है भाई। इसके अलावा आप लोग देखोगे इसका टोटल एक्सपेंस यानी जो खर्चे किए कंपनी ने, तो अब की बार क्या है 3,836 करोड़, प्रीवियस में 3,926 करोड़ के एक्सपेंस थे और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 3,318 करोड़ के। तो ईयर टू ईयर एक्सपेंस बढ़े हैं बट क्यू ऑन क्यू बेसिस पर एक्सपेंस टूटे। और अब की बार जो रिवेन्यू है वो एक्सपेंस से फिर ज़्यादा है भाई, मतलब कंपनी ने फिर से प्रॉफिट ही बनाया है। लेकिन प्रॉफिट कितना है चलिए देखते हैं। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर मैं बात करूँ तो अब की बार जो कंपनी ने प्रॉफिट बनाया भी वो है 359 करोड़ का, जो प्रीवियस क्वार्टर में 314 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 359 करोड़ का। हाफ ईयर बेसिस पर आप लोग देखोगे 717 करोड़ से जो प्रॉफिट है वो टूटकर 673 करोड़ पर पहुंचा है भाई। इसके अलावा अर्निंग पर शेयर देखोगे भी, जो ईपीएस वगैरह देखने को मिला है, आई थिंक यहाँ पर आप लोग देखोगे 3.78 रुपये रहा है इस क्वार्टर में, जो प्रीवियस में 3.05 था, प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 3.64। तो इसका इम्पैक्ट कैसा रहेगा मार्केट एस्टीमेट से कंपेयर करते हुए, तो ईपीएस कितना आया है 3.78 रुपये और एक्सपेक्ट किया गया था भी 3.49 रुपये का, बीट किया है। इसके अलावा रिवेन्यू की बात करें तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भाई रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है 4,214 रुपये, ठीक है 4,214, और एक्सपेक्ट किया गया था भी इसका लगभग 4,320 करोड़ रुपये। तो 4,320 करोड़ रिवेन्यू के मामले में जो अभी यहाँ पर मार खाई है, ईपीएस इसका ठीक रहा है। इसके अलावा आप लोग देखोगे भी और क्या कुछ हमें अपडेट्स देखने को मिली इसके अलावा, तो ये जो नोट्स हैं इन्हें आप लोग वीडियो को पोस्ट करके डिटेल में पढ़ लेना भी, ड्यूरिंग द क्वार्टर क्या कुछ होते हुए नजर आया है। डिविडेंड वगैरह कुछ भी कंपनी की तरफ से अनाउंस नहीं किया गया। रिवेन्यू सेगमेंट से यहाँ पर आप लोग चेक कर लेना वीडियो को पोस्ट करके, नोट्स पढ़ लेना भी जो नीचे में दिए गए हैं। एसेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, टोटल एसेट जो है प्रीवियस के मुकाबले इंक्रीज हुई है। और बोरोइंग की अगर बात करें कंपनी के कर्ज को लेकर, तो देखोगे भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, तो यहाँ पर जो इसके कर्जे हैं वो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों जगहों पर जो है कंपनी है वो कम करते हुए नजर आई है भाई, ठीक है। इसके अलावा ये कैश फ्लो स्टेटमेंट्स है भाई, और ये देखोगे डेट इक्विटी रेशो पीछे के मुकाबले कम किया कंपनी ने, ठीक है। इसके अलावा मार्जिन्स आप लोग देखोगे भी, नेट प्रॉफिट मार्जिन्स पीछे के मुकाबले ईयर टू ईयर बेसिस पर कम हुए हैं भाई, ठीक है, घटे हैं ना, बट क्यों उनके बेसिस पर इंक्रीज हुए हैं। सेम आप लोग देखोगे यहाँ पर जो ऑपरेटिंग मार्जिन से ये टूटे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है, और बाकी देखेंगे मंडे के दिन। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।